दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आमो सामने ने दिल्ली के सीएम का सीएम चन्नी ते वड्डा हमला देखने मिल रहा है। मुख्यमंत्री चन्नी नू लैके ये वड्डा सियासी वार अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिस दे विच केजरीवाल ट्वीट करते हैं तो लिखते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी रेता चोर है। जिस सूबे का सीएम रेता चोर की हो सकती है उस सूबे की तरक्की सवाल भी पाया है। मुफ्त बिजली ते चन्नी ने झूठ बोलिया, एक वड्डा जड़ा जाति हमला वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते कर रहे हैं। वड्डा एलीगेशन लगाउंदिया अरविंद केजरीवाल वड्डा एलीगेशन ला रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री रेता चोर ने। सो इस तरह के बयान के वड्डे मायने ने इलैक्शन तो पहला, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने 2017 की इलैक्शन वेले वड्डे बयान इस संदर्भ दे विच दित्ते सी, पर किहड़े तत्थां दे नाल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी तो रेता चोर ने, यह हले देखना लाजमी होगा। नीतिका महेश्वरी ब्यूरो चीफ जी पंजाब इस खबर से जानकारी की सांझ पाउणगे। नीतिका, अरविंद केजरीवाल कोल किहड़ा सबूत है कि चरणजीत सिंह चन्नी नूं उह रेता चोर दस रहे है? 2022 च उन्हां नूं लैके दिल्ली तो लैके पंजाब तक पूरी राजनीति गरमाई हुई है। खास तौर से जी गल की जाए अजिहा लग रहा है कि यह जिहड़ी लड़ाई है वह कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की है। तुसीं देखोगे कि लगातार कांग्रेस आम आदमी पार्टी नूं घेर रही है, ते जे केजरीवाल की गल की जाए तो लगातार पंजाब सरकार नूं घेर रहे ने, कांग्रेस नूं घेर रही है। ते इसलिए हो सकता है कि केजरीवाल वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री ते इल्जाम लगाए गए हुण, क्योंकि तुहानूं याद होएगा कि दो दिन पहला ही यानी कि सैटरडे नूं राघव चड्ढा जिहड़े लीडर ने आम आदमी पार्टी दे, ते उन्हां वल्लों एक रियालिटी चैक किया गया सीगा चमकौर साहिब, ते उत्थे उन्होंने वल्लों कहा गया सीगा कि इत्थे हाले भी इलीगल माइनिंग हुंदी है, ते पंजाब दे मुख्यमंत्री दा ही इलाका है, ते उत्थे ही जिहड़ी इलीगल माइनिंग है वह हो रही है। उन्हां वल्लों यह भी कहा गया सीगा कि जिहड़ा फॉरेस्ट एरिया है उत्थे इह जिहड़ी इलीगल माइनिंग जा रही है। इस दे नाल ही याद होएगा कि रेट घटाया गया सीगा, कहा गया सीगा कि 5 तो 6 रुपए दे विच जिहड़ा रेता ओ मिलेगा। इस नूं लैके पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वल्ले सवाल चुक दिते गए सी, ते कहा सीगा कि हाले भी जिहड़ा सैंड माफिया लगातार जिहड़ा है ओ चल रहा है, ते उन्हां वल्लों सवाल भी चुके गए सीगे कि 20-25 रुपए तो ज्यादा जिहड़ा है ओह रेता मिल रहा है। इस दे नाल ही बिजली नूं लैके जरूर कोशिश कर रहे हैं वरिंदर ढिल्लों नाल साडा राबता कायम होने की कोशिश दे विच साडी टीम लगातार लगी पी है, पर अरविंद केजरीवाल के इस बयान के वड्डे मायने ने की अरविंद केजरीवाल कोई ठोस सबूत है? बीते दिन राघव चड्ढा ने कई खड्डा ते जाके वख-वख तरह के बयान दिते, पर उस तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी गए कि आम आदमी पार्टी झूठ का पुलंदा है। ये पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सी कि दिल्लियों आके पंजाब दे विच झूठ बोलने की कवायद की जा रही है, पर हुण अरविंद केजरीवाल का तिखा सियासी वार सामने आया है। नीतिका महेश्वरी मेरे सहयोगी इस ते साडे नाल लगातार जुड़े हुए है। नीतिका, कोई तथ्य तो होगा ना, देखो किसी ते इस तरह का वड्डा अटैक करना। मैं रोकना चाहूँगा वरिंदर सिंह ढिल्लों मुड़ तो साडे नाल जुड़ चुके हैं। ढिल्लों साहब, बयान दे मायने की देखिए, दिल्ली दे मुख्यमंत्री होण पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं रेता चोर दस रहे होण? देखो बड़ी शर्म दी गल आ, मैं मान मर्यादा इन्हां वांगू भुल नहीं सकदा, नहीं तां मैं इन्हां नूं इस भाषा दे विच अगर जवाब देवां ते उह मेरे संस्कार और मेरी मर्यादा तो मतलब बाहर दीआं गल्लां वा। इन्हां नूं थोड़ा जिहा, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री दे अहुदे ते आ, ठीक आ, इस भाषा दा वर्तना जदों इन्हां नूं कहा गया सीगा, कदी इन्हां नूं कमीज की तकलीफ हुई थी, कदी इन्हां नूं काले अंग्रेज की तकलीफ हुई थी, लेकिन बिना तथ्यों तो बिना सबूतों तो यह अज हाईकोर्ट बन के एक मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से जो बैठे हुए आ, वह भी एक मतलब इन्हां वांगू एक आम घरों उठे आ, एक गरीब घरों उठे आ, तुसीं एक तरह तो उन्हां ते बिना सोचे समझे बाद माफिया मंगोगे? अज डेफामेशन पा देन अपना की कहते, जैसे विक्रमजीत सिंह तो माफी मंगी है अरविंद केजरीवाल ने, आई हूँ फिर माफिया मंगता फिरूगा,
देखो कुछ शर्म होनी चाहिए आ कुछ कुछ तुम किसी एक अहदे से बैठे हो थोड़ी बहुत मान मर्यादा रखो थोड़ी बहुत अपने अगर तुम संस्कार की कमी आ तो घटो घट उस अहदे का मान सत्कार तो रखो जिसे तो बैठे हो तुसी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर नूं तुसी चोर रेता चोर दे शब्द नाल वरतो ते किहड़े पासों राजनीति दा स्तर उच्चा लैके जाती है कि थले लैके जाती है और बिना किसी सबूतों तो बिना किसी गल्लां तो बिना किसी बातों तो यह किधर नूं राजनीति लैके जा रही है। मेरे हिसाब नाल इहदा सारिआं नूं कड़े शब्दों के निंदा करनी चाहिए आ और इस अरविंद केजरीवाल तो माफी मंगानी चाहिए आ। जिस दिन आएंगे उस दिन इन्हें इस गल का जवाब इन्हों के मुंह से जाके मंगांगे क्योंकि देखो चलो सर रोकना चाहूंगा अपने नाल नील गर्ग जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने गर्ग साहब अरविंद केजरीवाल चन्नी साहब नूं रेता चोर दस रहे हैं जी कि यह सियासी तौर पर इस तरह के इल्जाम लगाने ठीक ने कि केजरीवाल साहब कोई ठोस सबूत ने ताइयों तुसीं पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं रेता चोर दस रहे हो। देखो जी असी परसों जिहड़ा हैगा वड्डे तौर ते जिहड़ा उन्हां दी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच जिंदापुर पिंड दे विच जाके जो खुलासा किया और सबूतों के नाल किया उस तों बाद जिस तरीके नाल मुख्यमंत्री साहब कल घूम रहे थे रोपड़ के हल्के उसनों वो जिंदापुर की जानी के खड दस रहे थे कि इतने कोई लीगल जानी के इलीगल माइनिंग नहीं होंगी एक मुख्यमंत्री ने शोभा ही नहीं दिता है कि वह झूठ बोले ठीक है तो इसे करके जरा है भी जो साहब कांग्रेस कह रही है फिर केजरीवाल साहब माफी ना मंगन जे डेफोमेशन पंजाब के मुख्यमंत्री करेंगे क्योंकि कहते उन्होंने को ठोस सबूत नहीं है साढ़े खिलाफ। नहीं देखो अज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्डा जी ने की थी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बकायदा वह सबूत वह वीडियो सारा कुछ दिखाया है ते इस करके भी यह कोई हवा के गल्ला नहीं है क्योंकि जेकर जिहड़ा है एक मुख्यमंत्री ही संरक्षण जिहड़ा है ठीक है हवा के गल्ला नहीं ठीक है। ढिल्लो साहब आखिरी रिएक्शन घट शब्दों के देखो अपनी मान मर्यादा और अपने एक संस्कार की उन्होंने बड़ी वधिया एक पेशकश की उन्होंने दसता भी वह किस निचले स्तर से तक जा सकते हैं तो मेरे हिसाब नाल इहदा जवाब जिस दिन आएंगे उस दिन इन्हों तो जरूर पूछांगे और माफी ना मंगांगे। ठीक है कांग्रेस अरविंद केजरीवाल तो सवाल पूछेगी पर आम आदमी पार्टी तथ्यों का जिक्र कर रही है। दो सियासतदानों सामने बहुत शुक्रिया ढिल्लो साहब ते गर्ग साहब साडे नाल जुड़न दे लई।